हाँ जी, आज क्या बनेगा खाने में? हाँ? सरप्राइज आलू उबाल दिए भाई, ये लाल चटनी, हरी चटनी, और ये क्या है? ये ब्रेड क्रम्स है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स। ओह माय गॉड, क्रम्स क्या होता है? ब्रेड का चूरा। अरे आलू कढ़ाई तो बता दिया जाए, क्या बनेगा? खाने को मिल जाएगा। पक्का? कब तक? बस आधा घंटा। ये बनाएगी भाई, तब तक मैं खाऊंगा। ये काजू दो बचे हैं एक मुट्ठी में से, इनको ही खा लेता हूँ। चलिए जल्दी दिखाता हूँ क्या मिलेगा खाने में। ये आलू का कर दिया इसने चूरा, अभी होगा काम पूरा, थोड़ी देर में होगा अधूरा। ये है आलू का चूरा, डाल दिया ये जीरा, और ये है मेरा हीरा। अगर ये स्वाद नहीं आया तो अभी इसको बनाऊंगा मैं फिर से जीरा। ओके, फालतू की बकवास नहीं करती तुम्हें है? क्या बना रहे हो बता तो। अरे आलू टिक्की बना रही हूँ। आलू की टिक्की? तो अब बीच में भी कुछ दिखाओगे मेरे को या सीधा प्लेट में मिलेगी? ओके, और ये आलू को कर दिया इसने फ्राई। तो टिक्की कैसे बनाओगे तवे पे? मैं बना दूंगा। अरे प्रोसेस तो समझाओ, कब तक मेरे को बनानी पड़ जाए इतना नमक? ओह माय गॉड, ले नमक की बोछार, हल्दी की बोछार। तुम एक बात बताओ, थारी मेहंदी का क्या लेना देना कि वो ना रची तो प्यार कम करते हैं हस्बैंड? ऐसा क्या है हमारे, हम कैसे प्रूव करें हमारे लिए कि तुम भी हमसे उतना ही करते हो? आप भी लगा लो मेहंदी। कैसे लगा के देख लो। वो लगाई तो थी भाई, हम वो एक रुपये की ना रची, तीन दिन में तो उतर गई। इसका मतलब तो धोखा हो गया, कड़ रची थी, तीसरे दिन तो उतर गई। तीसरे दिन से मतलब नहीं होता, वो नकली आ रही है। ओहो, जो थारी नकली आ जावा है ना के मतलब अपनी बात में ना, हाँ ना, बात में तो घुमा जवाब दे ठोस। लड़कियों की मेहंदी नकली नहीं आती। ओहो, मतलब छोरे की न्यारे कारखाने तो मन का हुआ है। हाँ ओए ना, अगली बार देखा ही। चलो करो इसको मैस। बोल तो मुझे समझ नहीं आता। हाँ जी, तो टिक्की के लिए मसाला कर दिया मैडम ने तैयार, और ये गोल 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 टिक्की। तो कितनी टिक्की तैयार कर सकते हो जितनी बताओ? आप खा सको। इस मसाले में कितनी तैयार होंगी? मैं कह रही हूँ जितनी आप खा सको। खाके दिखाओ, आज खत्म करके दिखाओ। पक्की बात है? हाँ। देख ले। हाँ। अरे मत इतना वो करे, जे सारी टिक्की खा गया तो क्या मिल लगा? ईयरबड दबाओगे? हाँ, पक्की बात? पक्की बात। देख लो ऑन वीडियो, पता लगे रात भर बाथरूम में बैठे हो खाने के बाद। अरे वो बाथरूम गया तेल लेने, ये खा जाएगा चाहे मैं कितना बैठूं फिर। बताओ भुक्कड़। हाँ हाँ ठीक है, पक्का? कौन से दबाओगे? बजट बताओ कितने तक का दिलाओगे? जो आप मतलब जो सही सही होगा, जो अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पक्की बात? चलो भाई ठीक है भाई, हमारी डील हो चुकी है। नहीं तेरा बकल तार है टिकिया में। चलो जी अब खाती आना है, देखेंगे गिनती करके दिए पहले में टिक्की। ओके जी, चलो दिखाते हैं बहुत जल्द। अब बताओ। हाँ जी, तो इनको क्रिस्पी करने के लिए उनके क्या बोलते हैं ब्रेड के चूरे में क्रम्स, ब्रेड के क्रम्स में, चूरा नहीं, हिंदी नहीं बोलनी भाई, इंग्लिश करने के लिए उनमें लपेटा जा रहा है। हमारी हरियाणा में बोल रहा था भाई, लपेट लपेट के बेरा नहीं किसे खवाओगे गोल गोले बुढ़ा वाली बात से, किसे माठने खवाओगे? या देखो दे दोगे आज की डेट में खाने का? अरे दे दूंगी, मैंने आपसे आधा घंटा मांगा है। आधा घंटा मैं, 9 बज जाएंगे, कद खाऊंगा कद पचेंगे कद सोऊंगा मैं। पहुंचाना क्यों, बाथरूम में बैठना आपको तो। 4, 4 8, 4 12, 16 है, 14 है, 4 तेरी 10 मेरी। अगर ये सूखे होते ना तो मैं मान लेती कि आप खा लेते,
अच्छा ये है, इनमें दही डलेगा, चटनी डलेगी, प्याज डलेगा। जब आपके घर पर मैं 10 दही भल्ले खा सकूं तो 10 टिक्की नहीं खा सकता मैं? और आपके घर के दही भल्ले भी इसे थे? कैसे थे ये? जीसी या टिक्की है मतलब बड़े बड़े बना दे। हाँ मुंह में जाए ना जाए कुछ ना पता। चलो जी दिखाओ ये इधर दिखाओ। तू डरा क्यों रही है? मान लग रहा था कि इतने बोल पड़े तू मेरे पूरे ब्लॉग ना खराब करते है। बुढ़ा ही रहा मेरा ब्लॉग खराब कर दिया पूरा का पूरा। तो भाई इन्होंने कर दी तलाई शुरू। देख इधर छितरिया तेल में डबो, जो एरिया रह गया कच्ची रहेगी ना तो मारूंगा बिना गिनती के। काम शुरू हो चुका है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है ना, ऐसे ही होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। यस ये बड़ी टिक्की खाएंगे। ओके टिक्की खाएंगे। लुक लाइक ऐसे फुल टू। और दूसरा ये दही चिल्ड होने के लिए रख दी। और हमारे फ्रिज में आया हुआ है शिमला, बोले तो ठंडा इतना हो गया। This is our mini room. यार मेरे को ऐसा लग रहा है डीप फ्राई मेरा ज़्यादा तेज़ हो गया। अच्छा फिर ड्राई रोस्ट करो इसको। तवे में बनाओ। हाँ तवे में बनाओ भाई। ये कम तेल की बनेगी ये चार, इसकी भाई ज़्यादा तेल की, कम तेल की मैं खाऊंगा। इनको निकाल के अब तवे पे डाल दो, इनका तेल भी निकल जाएगा अभी पक भी जाएंगे। और इसमें से तेल डाल लेना थोड़ा उसमें। भाई साहब ये तो पिंगल गई। ओह माय गॉड ये टिक्की इनमें मैदा भी तो मिलता है। अरारोट मिलता है। हैं अरारोट ये क्या होता है? एक तरीके का ड्रामा होता है। ड्रामा देखो वैसे सही बन रहे कुछ कुछ, लेकिन वो ये कि मतलब तेल ज्यादा। तो फिर एक काम करो दो दो डालो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना देखा जाएगा फिर। आज तेल फालतू खा लेंगे थोड़ा, हाँ कल बन साइकिल चलानी पड़ेगी फिर फालतू ना कम खिला दो चिंता मत। ओके तो एक काम करो इसमें पका के थोड़ा उसमें रोस्ट कर दो। ना तू क्यों घुसाना है मेरे को। चलो तो जी इन्होंने प्रोसेस बदल दिया, कढ़ाई की बजाय अब ये उस पर करेगी। तो चलो जी अब दिखाता हूँ जब ये तैयार हो जाएगी। ये देखो भाई मैडम ने दिमाग लगाया था, जम गया कि दही ठंडी करूंगी या आइसक्रीम बना दी दही की। मजा आया। ये फोड़ते रहो आइसक्रीम की डली, इसके पीस काट कर ना उस पे एक एक रख देते पनीर की त्रिया। थोड़ा पानी मिला दे। ना ना हल्का सा मिला लो बस। हाँ जी तो पूरा सामान कर दिया तैयार रेडी। आप ये बना के देगी टिक्की, दो चार छः सात टिक्की बना दी एक बार भाई ये। और ये आइसक्रीम डाल दी दही वाली। क्या सोच के फ्रिज में रखा, समय से पहले निकाल लेनी चाहिए थी ये। मुझे क्या पता जम जाएगा वो फ्रिज ही वाई फाई निकला। ये बताओ ये चटनी कैसे बनाई आपने? ये वाली वो वाली ये हाँ खरीद के लाई चटनी। कहाँ से? लाल वाली। किससे? पिचकू मैगी पिचकू। मैगी पिचकू वाह। वेरी गुड। इसमें एक और पैकेट डालना था तभी अब चटनी बनती। गोभी नहीं डाली आपने? हाँ गोभी डालेगी। अरे वाह दोले का हो गए ना ये तो। क्यों? एक मिनट थोड़ी ये हो गई भाई टिक्की तैयार। दुकान पर लेता 50 रुपए की प्लेट और ये बनाई ना 500-600 रुपए का सामान लिया कर।
अच्छी कैसी बनी है? मस्त सच में, टेस्ट बताओ। कलर हाँ? तो कलर तो अच्छा नहीं है, मेरे को दिख रहा है साफ। हाँ अच्छी बनी है, टेस्ट है अच्छा। होममेड का कलर ऐसा ही होता है, फूड कलर वगैरह नहीं डलते ना इसलिए। कोई ना,